हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, किम छो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, मज़े में? ठीक है, तो आज हम बनाने वाले हैं लाल पत्ते की सब्ज़ी। इसको लाल माठ भी कहते हैं। आपको मार्केट में ये सब्ज़ी ईजिली मिल जाएगी। पत्तों वाली सब्ज़ी खानी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। जो भी नेसेसरी जो विटामिन्स होते हैं वो उससे हमें मिल जाते हैं। आज हिंदी में ब्लॉग बनाने का ये रीज़न है क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट में एक मैसेज आया था जहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया था कि हमने आपका चैनल तो सब्सक्राइब किया है लेकिन हम मराठी इतना फ्लुएंटली नहीं समझ पाते हैं और ना ही हम मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हम जो मेंशन करते हैं ना वो भी हम इजीली हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए उनके लिए खास करके ये सब्ज़ी मैं एक और बार बना रही हूँ। इससे पहले मैंने मराठी लैंग्वेज में भी ये रेसिपी बनाई थी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और एक बात तो वैसे भी सही है क्योंकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो भी ग्रो कर रही है, उसमें सारे हर तरह के लैंग्वेजेस के लोग इकट्ठा आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब फैमिली में। तो हर किसी की एक लैंग्वेज तो होती है जिनको समझ में आती है, वो है हिंदी। तो अभी से मैं यही ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी कि हिंदी में ब्लॉग बनाए जाए ताकि हर किसी को समझ आए। ठीक है, तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो सब्ज़ी है वो पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो के फिर इसको बारीक बारीक ऐसे काटा है और मैंने ये रेडी रखी है। यहाँ पे मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कोकोनट लिया है, ये सूखा कोकोनट भी ले सकते हैं या फिर मार्केट से जो फ्रेश कोकोनट में मिलता है ना वो भी आप इसके ले सकते हैं। करी लीव्स लिए हैं, कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं, हरी मिर्च, ये मैंने 4 हरी मिर्च लिए है, 4 से 5 आप ले सकते हैं। एक बंच रहता है ना वो जो सब्ज़ी का, उसके लिए 4 से 5 हरी मिर्च आपके टेस्ट के अनुसार आप ले सकते हैं। यहाँ पे लहसुन लिया है छील के, ये हींग है, और एक बड़ा प्याज लिया है बारीक काट के, और हाँ नमक हम स्वादानुसार सब्ज़ी बनाते वक्त डाल देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा राई भी लिया है, वो भी हम यूज़ करते हैं। तो अब चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हींग डालेंगे, तेल में ही डायरेक्टली डालना है आपको ये हींग। आपको यहाँ पे ये सब्ज़ी बनाते वक्त ज़्यादा तेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करने के बाद आपको हींग डालना है और उसके बाद बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको ऐड करने हैं। हींग डालने के बाद आपको राई डालनी है 1 चम्मच। राई के साथ साथ ही लहसुन की ये कलियाँ भी आप गरम करके ले सकते हैं। साथ ही साथ में आप हरी मिर्च भी डाल देंगे और फिर उसमें डाल देंगे ये कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव। उसके बाद आपको ये कटा हुआ प्याज शामिल करना है। लो टू मीडियम फ्लेम में ये प्याज आपको फ्राई करके लेना है। और ध्यान रखिए कि ये जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन होने तक ही आपको भूनना है। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इस सब्ज़ी की अलग ही टेस्ट उसकी खुद की होती है। इसी वजह से आपको लाल मिर्च का पाउडर या फिर और भी कोई जो मसाले रहते हैं ना वो डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हरी मिर्च लहसुन से उसको अलग ही टेस्ट आ जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। आप एक बार डेफिनेटली इस स्टाइल से ये सब्ज़ी बना के देख लीजिए। ये देखिए अभी प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, मतलब ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अभी इसमें आप चाहें तो हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इस सब्ज़ी का जो अलग ही एक जो कलर होता है ना वो सब्ज़ी पकने के बाद वो रिलीज़ कर देती है, तो इसके लिए मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे इसमें ये जो कटी हुई सब्ज़ी है वो ऐड कर देंगे। जैसे जैसे ये सब्ज़ी गर्म होगी वैसे वैसे वो अपने में से पानी रिलीज़ कर देगी और उसी स्टीम के ऊपर ये सब्ज़ी पक जाती है, तो एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है।
आप ये अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, हमने जो पूरा एक बंच जो सब्जी लाई थी ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अभी आपको इस पर ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये जो कढ़ाई है उससे बाहर गिर जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इस पर एक ढक्कन रख देते हैं, ठीक है। ये जो सब्जी है वो स्टीम के ऊपर ही बन जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने नमक नहीं डाला है, जैसे ही वो थोड़ा सा श्रिंक होगी ना, उसके बाद में नमक डाल दूँगी। अभी अगर इस क्वांटिटी में अगर मैंने नमक डाला तो वो ज़्यादा भी हो सकता है और आपकी सब्ज़ी जो है वो नमकीन हो सकती है। 5 to 7 मिनट्स हो चुके हैं, अभी हम ये जो ढक्कन है वो खोल लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं, आप ये इजीली आप इसको मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस सब्जी की। अभी सब्जी मिक्स करने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ नारियल ऐड कर देंगे। आप ड्राई कोकोनट भी डाल सकते हैं, या फिर जो फ्रेश कोकोनट जो आप ग्रेट करके डालेंगे ना, तो भी चलेगा, लेकिन टेस्ट दोनों में से भी बहुत अच्छी आती है। आप ये अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से जो कोकोनट है वो मिक्स कर दिया है सब्ज़ी में। अभी हम उस पर फिर से एक बार 5 मिनट तक ये ढक्कन रख देंगे और इसे कवर करके 5 मिनट तक रखेंगे। अब फिर से 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं। वाह, सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आप एक बार प्लीज़ इस तरीके से ये सब्जी बना के देख लीजिए, आपको भी पसंद आएगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो नए नए वीडियोस जो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेडी है हमारी ये जो सब्जी, जो लाल पत्ते वाली जो सब्जी होती है ना, लाल मार्च जिसे कहते हैं, उसकी सब्ज़ी मैंने फिर से एक बार आपको बना के दिखाई है हिंदी में। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए घर पर और मुझे बताइए कि कैसे बनी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और हाँ, ये सिर्फ रेसिपी स्पेशल ब्लॉग्स नहीं होते हैं, यहाँ पे हम कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं तो वो भी ब्लॉग्स में इस चैनल पे अपलोड कर लेती हूँ, जहाँ पे आपको एनिमल्स भी दिखाई देते हैं, बर्ड्स या फिर कोई ऐसा प्लेस दिखाई देता है जो हमने नहीं देखा है, या फिर स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं। तो आप वो पहले वाले ब्लॉग्स भी ज़रूर देख लीजिए इस चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।